जगेश्वर प्रभु और इनके सुपुत्र और इनके परिवार के लोग ये अधिक महीना से पुरुषोत्तम मास में ये श्रीमद् भागवत कथा रखा है। कहते ये जो पुरुषोत्तम महीना कहते 3 साल के बाद में ये एक बार आती है। कुछ कुछ महीना से 3 बजते 3 साल में वो 1 महीना ज्यादा हो जाती है। इसलिए साधारण लोग इसको मल मास कहते हैं क्योंकि हर महीना में कुछ दिन बजते बजते वो 3 साल में 1 महीना आ जाता है। और ये मल मास आने पर साल के बाद फिर मेरे को मल मास गंधा मास बोलते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसी महीना में कोई शुभ काम ही नहीं करते, फिर रहना नहीं रहना बराबर, इसलिए मेरे को समाप्त कर दो। श्री जगन्नाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम मेरे शरण में आ गए हो भले ही हमारी अंदर में जितने अपगुण की नहीं हो, अगर हम ठाकुर जी की शरण में चले जाए वो जितने अपगुण है ना वो सारे अच्छा हो जाता है, सारे को सारे बढ़िया हो जाता है। बोले तुमने जो मेरे शरण में आ गए हो कोई बात नहीं, आज से जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम है आज से तुम्हारा नाम भी श्री पुरुषोत्तम नाम से ख्याति होगा। इसी महीना में साधारण लोग तो अच्छे काम तो नहीं करते हैं, अब करेंगे नहीं, लेकिन मेरे जो भक्त लोग वो तेरे को बड़े आदर करेंगे, तेरे को बड़े सम्मान करेंगे। बोले कुटिल गोपियां विधाता को निंदा करते हैं, बोले ये ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, देखो कृष्ण कितने सुंदर है। जैसे कृष्ण गोचारण करते समय जब आते हैं उदाहरण देते हैं उनका मुख कैसे, बोले कि कमल है, उनकी कुंभडाली कैसे कैसे, जैसे कमल फूल ऊपर भी बड़े सुंदर है, जैसे मधुमक्खी मना रहा है, और गैया की खूब से जो धूल उड़ता है लगता है जैसे कृष्ण को मुखारविंद में जैसे कोई पाउडर उसने लगा दिया है। इसलिए उसी समय गोपियां प्रांगण संग निरचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णे दिवर्णत। कहते जो कृष्ण ये जो 2 अक्षर है इसमें भगवान ने कितने ना जाने रस भर दिए। ठाकुर जी ने जब कर्ण में प्रवेश करता है लगता है जैसे मधु की धारा बरस रही है, हाँ जब जीवा को उच्चारण होता है कृष्ण नाम लगता है ब्रह्मा एक ही जीवा क्यों दे दिया, अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दिया है। इसलिए कर्ण में प्रवेश करने पर लगता है जैसे करो कान क्यों नहीं दे दिए। इसलिए किसको तो टाइम ही पास करना, किसको तो कन्हा जी कहते देखो तेरे को तो आम व्यक्ति तेरे को घृणा करेगी, कोई शुभ काम नहीं करेगी, लेकिन जब तुम आओगे ना मेरे जो भक्त लोग तेरे को बड़ी क्यों उनको 1 महीना उनको ज्यादा मिल जाएगा, और 1 महीना ज्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे, और बोले ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। इसलिए इसी महीना को श्री जगन्नाथ जी ने वरदान दिया है, अगर इसी महीना में थोड़ी सी कोई मेरी भक्ति करे, अगर कोई 1 माला करे ना उसको 100 माला करने की, थोड़ी सी अगर परिक्रमा 1 परिक्रमा लगाए तो 100 परिक्रमा करने की फल मिलेगी। इसलिए यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है, अगर आप वृंदावन में जाओगे ना कभी गोवर्धन में जाओगे, अभी मेरे को महाराज बता रहे थे बोले 24 घंटा वृंदावन में रात भर परिक्रमा लगा रहे हैं, और गिरिराज में तो कहते इतने भीड़ गिरिराज गोवर्धन में 5 किलो दूर से गाड़ी को रोक दिया जाता है, सरिसों में को भी नीचे नहीं गिरेगा, इतने लोग श्री गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा लगा रहे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी आशीर्वाद दिया इसी महीना में थोड़ी सी अगर कोई भक्ति करे उसको ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा,
और विशेष करके इसी महीना में ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इससे तो बड़ा जगत में कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा जगत में कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये कौन है? बोले ये और कोई नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण ही। ग्रहम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर है। सारे कारण का जो मूल कारण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप्रजोपसा जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले कृष्ण कौन है? ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है कृष्ण। जैसे कृष्ण समस्त कारण के जो कारण, जैसे भगवान कृष्ण कहते, उसी तरह कहते ये जो श्रीमद् भागवत है, कहते ये सारे कारणों का कारण भी ये श्रीमद् भागवत है। जब ये भागवत को बताए, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणा भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपासौ वेदार्थ परिवृणित। सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, यदि श्रीमद् भागवत है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणा। बोले ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या? बोले भागवत। जब वेद का सार क्या? बोले भागवत। पर गायत्री का भाष्य क्या? बोले भागवत। और सारी जाए अष्टम स्कंध भगवान की बध्यस्था, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध भगवान के मुखारविंद, एकादश स्कंध भगवान की ललाट और द्वादश स्कंध भगवान का सर। इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति। भगवान स्वयं सप्त ब्रह्म रूप में, भगवान कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में, सप्त ब्रह्म रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान की आठ स्वरूप बताया। कितना स्वरूप है? आठ है। कलो नष्टा दृशा मेष पुराण अर्थ धुना। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, उसी समय उद्धव भी यहीं पर थे। बोले प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका शरण ग्रहण करूं? आपका विरह को कैसे सहन करूं? स्वयं कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं एक स्वरूप में तो ये दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन दूसरे स्वरूप में दुनिया में रह भी रहा हूं। बोले किस रूप में प्रभु? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ रूप में ये दुनिया में रहूंगा। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत ग्रंथ सुन के, भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना ये कोई अलग नहीं है, कथा सुनना और मेरे से मिलना वो एक ही बात है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की। कोई आवाज नहीं? आज आज में व्रत रखे हो क्या? किसकी आवाज नहीं निकल रहा? जोर से देखा लगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की। इसलिए बोले ये जो भागवत की सारे शास्त्र को रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिला? जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना किया। जगत में शिक्षा देते हैं, हम भी दुनिया में बहुत कुछ करते हैं शांति पाने में, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें भी शांति नहीं मिलती। शिक्षा देते हैं, अगर शांति पाना चाहते हो क्या करो? बोले श्रीमद् भागवत कथा जब तक नहीं सुनोगे, तब तक जीवन में परम शांति नहीं मिलेगा। इसलिए ये अधिक महीना में कहते श्री पुरुषोत्तम महीना में हमारे चोगेश्वर प्रभु जी और श्री अनुराधा दीदी और इनके परिवार लोगों ने ये जो श्रीमद् भागवत कथा रखवाया, समझो इससे बड़ा जगत में कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इसी महीना में ये भागवत किया है, कृष्ण अभिन्न जगन्नाथ अभिन्न, पर ये पुरुषोत्तम महीना में अगर श्री पुरुषोत्तम की कथा अगर हम लोग श्रवण करें,
समझे कि सबसे ज्यादा ये भक्ति की अंदर है। इसलिए आज हमारे बहुत बहुत ही अच्छा दिन है जो कि हम सप्तम दिन व्याप्ति करके हम ये भागवत कथा श्रवण करेंगे। अभी हमारे बीच में श्री भक्ति वेदांत साधु महाराज और श्री रामचंद्र प्रभु जी ये कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त सबके सर पर हाथ उठाकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जोर करके बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समर्थ है जैसे जो वृद्ध ज्यादा हो गए हैं अगर हुए बैठे तो बहुत अच्छी बात है और जो जमीन बैठ पर बैठ कर कथा सुन सकते हैं इसकी ज्यादा महत्व है। इसलिए एक संत कह रहे थे जो चौकी में बैठते वो चौकीदार है और जो जमीन में बैठते वो जमींदार है। इसलिए हमें जमींदार बननी चाहिए चौकीदार नहीं बननी चाहिए। और जो कथा है जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे ना कोई चेयर में बैठ कर कथा नहीं सुन रहे थे हैं और सबके सब नीचे बैठ कर कथा सुन रहे थे और ये पुरुष दो महीना नीचे बैठ कर कथा सुनोगे तो बहुत ज्यादा ही महत्व इसकी है। इसलिए हो सके जो ज्यादा ही वृद्ध है नीचे बैठ नहीं सकते हैं आप लोग चेयर में बैठो कोई बात नहीं लेकिन जो नीचे बैठ सकते हैं इसलिए चेयर पड़ा हुआ इसलिए बैठ गए ये ठीक नहीं। हरि बोल। कुछ बात भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी और रामचंद्र प्रभु और भक्त वृंद सबको चरण जथा प्रणाम। अभी महाराज जी बताया कि पुरुषोत्तम महीना में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधान और इस जगत में शांति पाने के लिए शांति कहाँ मिलेगी क्योंकि भगवान का नाम ही शांति। तभी इस श्रीमद् भागवत की तो महिमा आज तो पूरा दिन भागवत महिमा सुनेगा आप लोग। इस श्रीमद् भागवत को जब तक अच्छी तरह से श्रवण नहीं किया जाए या नहीं पढ़ लिया जाए तब तक शरीर में ये पाप निवास करता है ये भागवत महिमा में बताया। इसलिए भागवत सुनने का मतलब यह है कि भागवत को विचारों में प्रतिष्ठित हो जाए है ना। भागवत में जितनी 18 पुराण है राजसिक पुराण 6 राजसिक पुराण 6 तामसिक पुराण 6 सात्विक पुराण इन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे ऊंचा है। इसलिए बताया कि जब तक बोलते भागवत जो मानते नहीं है उसको यमन कहा गया यमन। इसलिए भागवत साक्षात भगवान है वाग्मयी मूर्ति जानी वाग्मयी मूर्ति मतलब दो प्रकार के शब्द है एक ट्रांसेंडेंटल साउंड है एक मटेरियल साउंड। तो ट्रांसेंडेंटल साउंड जो है उनके अंदर जान होता है और जो मटेरियल साउंड है उनके अंदर जान नहीं होता। कैसे गुरु जी ने जब गोवर्धन में भागवत करी मैंने सुना एक ही बार किया सप्ताह के रूप में तेरे बोला कि जल जल बोलने से जल आएगा नहीं तो जल के पास जाना होगा या जल को ला के देना होगा। लेकिन भगवान कृष्ण राम 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 बोलने से राम आएगा इसका दृष्टांत है रत्नाकर दशमी बीच में राम समझाता है। तो हम ना राम राम बोलते हैं ना मरा मरा बोलते हैं है ना। इसलिए हम बहुत ही गिरे हुए हैं इसलिए हमको इस भागवत भगवान इतनी दयालु है इतनी दयालु है। भगवान कभी पुरुषोत्तम महीने के रूप में कभी कार्तिक महीने के रूप में कभी भागवत रूप में कभी विग्रह के रूप में कभी धाम रूप में किसी नाम रूप में कभी गुरु के रूप में इतने रूप में ये जगत में विराज। हम अगर इन लोगों का सहारा नहीं लेते तो हमारा भाई भविष्य में कभी भी कल्याण कहीं नहीं हो सकता होगा ही नहीं क्योंकि जब तक शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस भागवत जी बहुत ही कथा जो है ट्रांसेंडेंटल साउंड है
जिन कथा में जान है। यानी इस भागवत की अगर एक श्लोक अगर समझ में आ जाए जीवन में उतार में तुमको बड़ा पा रहे बोलते एक श्लोक की बात छोड़ो आधा उससे भी आधा केवल एक ही शब्द समझ में आ जाए तो बोलते उनका जिंदगी बदल जाती है उनका इस जगत से भगवान के धाम में चल जाता है। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए कलियुग में पांच ये बताया है मथुरावास भागवत श्रवण हरिनाम संकीर्तन भक्त का संग इस पांच में भी भागवत का भी नाम है और इस भक्ति की बहुत ही महिमा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और भी बोलेंगे तो बता रहे हैं कि जैस्मिन शास्त्री व पुराने हरिर भक्ति न दृष्टि श्रवणम नैव ब्रह्मा यदि स्वयं बदे कह रहे हैं कि जिस शास्त्र में भक्ति की कथा नहीं है बोले उस शास्त्र को मत सुनो। अगर वो पेट में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं भाई बहन होते हैं और उसको काटते हैं वो छटपट होते हैं और माता सोचती है कि बेटा खेल रहे हैं खेल नहीं रहे वो जान से लड़ रहे हैं। उस समय हमने भगवान को प्रार्थना किया भगवान ने दर्शन दिए तब भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जननी जठरे छिलामी जखन विषम बंधन पास एक बार प्रभु देखा दिया मेरे वंचित दिन पास तब हम लोग भगवान के शरण लिए और भगवान हम लोग को दर्शन दिए लेकिन हमने वचन भी दिया जे मैं इस जगत में पैदा होकर का आपका नाम लूंगा लेकिन भूल गया। भगवान इतना ईमानदार है फिर साधु गुरु को भेजता है बोलते अगर उनकी बात भी बात नहीं मानी ना भगवान की बात मानी ना हम साधु संत किसकी बात मान ले ना अपनी मर्जी बोले अपनी मर्जी करने से कभी भी भक्ति नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं। इसलिए गुरु वैष्णव वैष्णव धर्म ये अनुगत धर्म है बड़ों की बात सुननी पड़ेगी और उनके अंडर गाइडेंस में रह करके भजन करना होगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत इसमें सारी शास्त्रों का विचार दिया हुआ इस शास्त्र की भागवत कथा बोलना सुनने का मतलब यह है कि इसमें हम कितना प्रतिष्ठित हो रहे हैं है ना कितना हम जीवन जिस प्रकार भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं केवल श्रद्धा जरूरत है उसी तरह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए केवल श्रद्धा की जरूरत है कि मैं कथा सुनूंगा। तो इस प्रकार हमारी सात दिन भागवत कथा चलेगी सबके निवेदन है अधिक अधिक संख्या में आइए और भागवत विचारों को श्रवण कीजिए और महाराज जी सुंदर रूप से बताएंगे और सुनिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए क्योंकि इसी में ही भागवत में ही सारे विचार दिया है और भागवत कथा अमृत है। इसलिए गोपियां जो गोपी गीत में गाती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीतम कलम साप श्रवणम मंगल श्रीमदात भूमि भूरिदा भगवान की कथा अमृत स्वभाव इसलिए श्रवण कीजिए और स्थान भी ये गौड़िया मठ है ये निर्गुण है यहाँ पर आनंद ही आनंद Krishna, Hare Krishna.
इसी महीना में एक बार नाम करोगे ना 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, सबका नाम सबको कान में जा रहे हैं। एक बार नाम जो कर रहे हैं ना 100 बार नाम करने का फल, और 100 में 100 से जोड़ दो कितना होगा, गुण कर दो। हाँ, जोर से बोलिए, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ी सुंदर, खुद अभी मैंने उनके मुख से भागवत की महिमा सुनी, गायत्री की व्याख्या। गायत्री कौन है? हमारे वेद में ओम भूर भुवा स्वा ये गायत्री, इसे ब्रह्म गायत्री कहते हैं। और बोला गया है कि ये स्त्रियों को नहीं देनी, और पुरुषों का भी जब जनेऊ होता है उसी समय दी जाती है, उसके पहले नहीं। और उसका भी जाप करने का बड़ा विधि विधान है, लेकिन नहीं लिखे हुए ब्रह्म सूत्र को खुद व्याख्या किया है श्रीमद् भागवत। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जो श्रीमद् भागवत है वो चोटी पे भक्ति ले जाने के लिए एक क्रमबद्ध अध्ययन है। हमें किसकी पूजा करनी है और कैसे करनी है, और करने के बाद क्या करना है, करने के बाद क्या करना है, किसकी पूजा करनी है। जो हमारे हैं, जिनसे हमारा रिलेशन है, जिनसे हमारा संबंध है, उसी की पूजा करनी है। भागवत अपनों को अपनाने की बात करता है और बेगानों को छोड़ने की बात करता है। बात समझ आ रही है मेरी? किसको अपनाना है? जो अपने हैं, और जो बेगाने हैं उनको छोड़ना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो हमारे असली संबंधी है उसकी व्याख्या है। इसको कहा गया संबंध तत्व, बताया। क्या बताया? संबंध तत्व। हमारे असली संबंधी कौन है? देखो, आगे देखो, महाराज जी ने बताया उसका मुखड़ा देखो, दसवें स्कंद में उसका मुखड़ा दिखलाया है। किसका मुखड़ा दिखलाया? जो हमारे हैं, जिनसे हमारा क्या है, संबंध है, उसका मुखड़ा है, वो है श्री कृष्ण। तो हमारे को भागवत संबंध बतलाती है, फिर उस संबंध से संबंध जोड़ने का उपाय बताती है। इसमें कहीं मिलावट नहीं करनी, कभी मिलावट क्या है कि परायों की पाने की ख्वाहिश मिलावट है। पराय क्या है? ये संसार पराया है, और भागवत में ही उसी का नाम दे दिया द्वितीय अभिनिवेश। भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी दूसरा थॉट मिलावट है, जिसमें मिलावट की तनिक भी गुंजाइश नहीं। खुशी मत पाने का उपाय, उसको पाने का उपाय भक्ति है। ये भक्ति क्या चीज है? देखो, संसार के उदाहरणों से किया, एक क्षण भी